हेलो इंस्पायर्ड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे 6 टॉप क्लास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो आपको आसानी से बनाकर दे सकता है बहुत सारा पैसा अगले 10 सालों में, जिसके लिए आपको बस पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहना है इन म्यूचुअल फंड्स में। आज मैं आपको जितने भी म्यूचुअल फंड्स के नाम बताने वाला हूँ, इन सभी म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 20% का CAGR दिया है सालाना, जो कि बहुत ही लाजवाब है। लेकिन आपको बता दूँ, इन म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका रिस्क भी बहुत कम होगा और रिटर्न्स तो आपका ज्यादा होगा ही। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक गिफ्ट अनाउंस किया था। अगर आपको नहीं पता कि क्या है वो गिफ्ट, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 6 पर जो म्यूचुअल फंड है वो है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। क्या आप जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में? तो आप देखिए, इसने अपने पहले साल में ही बाप रे बाप 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आप देखेंगे तो इसने लगभग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अपने बेंचमार्क को इसने हमेशा बीट किया है। आप देखिए, इसने 5 साल में भी 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक, इसने 17-18% तक का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही लाजवाब है। आप अगर देखेंगे कि इसका इतना अच्छा जो रिटर्न्स आया है ना, इस अच्छे रिटर्न्स का कारण है इसका पोर्टफोलियो। तो आप देखिए, यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, इन जैसी कंपनियों में आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इसीलिए आपका पैसा जो है टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि आज ये कंपनियाँ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 0.84%, और एग्जिट लोड है 1%। मतलब अगर आप एक साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था 9th अगस्त 2010 को, और इसका जो AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो है 11,315 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट मैनेज हो रहा है इस म्यूचुअल फंड में। और ये म्यूचुअल फंड 10 साल पुराना है, तो आप सोचिए, इतने पुराने म्यूचुअल फंड ने अभी तक कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि इसने 3 साल में 5% तक का रिटर्न दिया है, तो स्टॉक मार्केट में ये होता ही है, कभी कभार बहुत ही अच्छे रिटर्न आते हैं तो कभी कभार बहुत ही खराब। लेकिन इसने देखिए, इसने कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, सिवाय एक साल को छोड़ के। तो मेरे हिसाब से आपको इस म्यूचुअल फंड को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 5 पर जो म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो आप देखिए, इसने पहले साल में ही बाप रे बाप 18-19%, मतलब लगभग 20% तक का ग्रोथ दे दिया है। लेकिन अगर आप मिराई एसेट में देखेंगे, जो पिछले वाला था, उसने लगभग 15-16% तक का रिटर्न दिया था। तो स्मॉल कैप फंड्स इसीलिए बहुत ही शानदार माने जाते हैं, क्योंकि उनके रिटर्न्स जो है वो बहुत ही हाई होते हैं, लेकिन रिस्क भी स्मॉल कैप फंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे तो इसने देखिए 3 साल 5 साल सिंस इंसेप्शन, मतलब कंटिन्यूसली इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मतलब ये आपका पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ा रहा है, टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका AUM देखेंगे तो वो है बहुत ही कम, 2720 करोड़, मतलब कि 2720 करोड़। और ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था नवंबर 2013 को, तो आप समझ सकते हैं लास्ट 7 सालों में इसने लगभग 20% तक का ग्रोथ दिया है। इसका क्या कारण है कि इसने लगभग 20% तक का ग्रोथ दिया है और कंटिन्यूसली बढ़ते गया है? तो इसका कारण है इसका पोर्टफोलियो। अगर आप देखेंगे इसका पोर्टफोलियो, तो देखिए, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ये सारे बहुत ही नए नए कंपनीज हैं जो ग्रो कर रहे थे। लेकिन अब ये कंपनियां ग्रो कर चुकी है, तो इसीलिए ये आपके पैसे को भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करवाया इन कंपनियों ने। इसीलिए स्मॉल कैप फंड्स थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसीलिए अगर आप रहेंगे स्मॉल कैप फंड्स में लंबे टाइम के लिए, तो आपका रिस्क बहुत ही कम होगा और रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा होगा आपका। तो अगर आपने इसको पोर्टफोलियो में नहीं रखा, प्लीज़ इसको भी आप वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि आगे जाके आपको ये म्यूचुअल फंड बहुत ही कम प्राइस में मिल सकता है अगर फॉल आया कभी कभार। अगर आप इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ही कम है, 0.28% है, और एग्जिट लोड है 1%, जो कि बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड 1% ही होता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो किसी में कम तो किसी में ज़्यादा होता है। इसीलिए जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, आपको उस म्यूचुअल फंड को, अगर वो अच्छा हुआ, तो आपको उसको अपनी नज़र में रखना चाहिए। अगर आपको अमेरिकन कंपनियों में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है ना, तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है आपके लिए। तो नंबर 4 पर है ICICI प्रोडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड।
तो आप देख सकते हैं इसने अपने पहले साल में ही 25% तक का रिटर्न दिया है, क्योंकि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स अभी तक हमने जितने भी देखे हैं उन्होंने 25% तक का रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसने लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है कभी कभार, लेकिन इसने अपने रिटर्न्स बहुत ही अच्छे जनरेट किए हैं। आप अगर इसका पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो देखिए आपका ज़्यादातर पैसा अमेजोन, फेसबुक, सेल्सफोर्स, नाइक इन्हीं में इन्वेस्ट हो रहा है। आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट हो रहा है अमेजोन में, 27% पैसा आपका अमेजोन में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप इसका AUM भी देखेंगे तो वो देखिए बहुत ही कम है, 811 crores। तो इतना कम पैसा वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे उतना अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। तो यार इस म्यूचुअल फंड के लिए भी एक लाइक हो जाए। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो देखिए 1.64% और एग्जिट लोड है 1%। तो एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये अमेरिकन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इसका थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। और जो नंबर 3 पे म्यूचुअल फंड है वो है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, SBI का स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं इसने लगभग 25% तक का रिटर्न दिया है अपने पहले साल में, और ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो इसने लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और अपने बेंचमार्क को इसने हमेशा बीट किया है। अगर आप देखेंगे तो 5 साल में इसने लगभग 15% तक का रिटर्न दिया है। तो इसका रिटर्न जो इतना हाई है उसका कारण है इसका पोर्टफोलियो। तो आप देखिए आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, 34% पैसा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रहा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 33%। तो ऐसा करके आपका ज़्यादातर पैसा जो है ग्रोइंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो रहा है, इसीलिए आपका पैसा भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो फिर ज़्यादा है, 0.96%, जो कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड के केस में था 0.28%, और एग्जिट लोड है 1%, जो कि सेम है पिछले म्यूचुअल फंड की तरह ही। लेकिन अगर आप AUM देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, 5039 crores, और ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था 9 सितंबर 2009 को। तो आप देख सकते हैं ये 11 साल पुराना म्यूचुअल फंड है और इसने 11 सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप देख सकते हैं आपके सामने ही ये परफॉर्मेंस, सिंस इंसेप्शन में देखिए 15% तक का रिटर्न दिया है इसने। तो आपको इन जैसे म्यूचुअल फंड्स को मिस नहीं करना चाहिए। कुछ ही देर में आने वाला है आपका नंबर 1 म्यूचुअल फंड, वो बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट जो फंड है वो है टाटा फार्मा हेल्थ केयर फंड। ये एक सेक्टरल फंड है। मैंने अपना लास्ट वीडियो जो बनाया था वो भी एक सेक्टरल फंड के ऊपर था, और मैंने बताया भी था कि सेक्टरल फंड सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर आप देखेंगे इसके रिटर्न्स तो वो देखिए इसने 60% तक का रिटर्न दिया है एक साल में, लेकिन अगर आप 3 साल में जाएंगे तो देखिए 20%, सिंस इंसेप्शन में जाएंगे तो देखिए लगभग 40% तक का रिटर्न दिया है इसने। अब इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को तो हमेशा बीट किया ही है, तो ऐसा क्यों है कि इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही रिस्की है। क्योंकि देखिए अभी कोरोना का टाइम है तो अभी दवाई ज़्यादा ही बिकेगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए इन कंपनियों का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो इसने इतना हाई परफॉर्मेंस दिया है तो इसका कारण है इसका पोर्टफोलियो। तो देखिए यहाँ पर कुछ टॉप कंपनियाँ हैं इसके पोर्टफोलियो का, रेडी लेबोरेटरीज, सन फार्मा, डीवी लेबोरेटरीज, सिप्ला, लुपिन, औरबिंदो फार्मा। तो इन जैसी कंपनियों में आपका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। रेडी लेबोरेटरीज में आपका 23% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सन फार्मा में 21% पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो फार्मा कंपनीज में आपका ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसीलिए आपका पैसा अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं एक साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड से बहुत सारा पैसा बना लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अब 1.5 साल बाद अगर अचानक फार्मा सेक्टर में कुछ हो गया और फार्मा सेक्टर एकदम नीचे चला गया तो क्या करेंगे आप, आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो इसीलिए अगर आप किसी सेक्टरल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप हमेशा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, तो आपको रिटर्न्स भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.2%, जो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने आपको हमेशा बोला था कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये एक सेक्टरल फंड है, इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एग्जिट लोड वही 1% ही है, जो कि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स के केस में होता ही है। अगर आप इसका AUM देखेंगे तो वो देखिए बहुत ही कम है, 296 crores है। अभी तक हमने जितने भी म्यूचुअल फंड्स देखे हैं उन सब में से सबसे कम है इसमें, 296 crores। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये शुरू हुआ था दिसंबर 2015 को, मतलब इस म्यूचुअल फंड को लगभग 5 साल होने को है। तो 5 साल में इसने इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है तो आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा फंड है।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा आपको और ज़्यादा पैसा बना के देगा इन जैसे म्यूचुअल फंड्स में। और जो सबसे लास्ट म्यूचुअल फंड है वो है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मेरा सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया था मैंने उसको, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए इसने एक साल में 25% तक का रिटर्न दिया है, और अगर आप देखेंगे तो इसने ऑन एन एवरेज 15% तक का रिटर्न दिया, और अपने बेंचमार्क को इसने हमेशा बीट किया है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ये म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका कारण है इसका पोर्टफोलियो। आप अगर इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो देखिए इसने इंडिया और अमेरिका की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड ने, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, देखिए ICICI बैंक, HDFC, ओरेकल, लुपिन, तो इंडिया और अमेरिका की टॉप कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। इसीलिए मुझे ये म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं लगभग इस म्यूचुअल फंड में लास्ट 6-7 महीनों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट 6-7 महीने पहले इस म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला था। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है 1.02% और एग्जिट लोड है 2%। अब एग्जिट लोड 2% क्यों है वो मैंने उस पराग पारेख वाले रिव्यू वाले वीडियो में आपको बताया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिटेल में वो वीडियो है, आप वो वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता इसके बारे में बोल के। अगर आप इसका AUM भी देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है, 4,508 crores, और ये जो म्यूचुअल फंड है ये शुरू हुआ था 2013 को, तो आप सोचिए इसने लास्ट 7 सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है मेरे हिसाब से। अब ये मेरा व्यू है, तो मुझे लगा कि जब ये इंडिया और अमेरिका के टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा फंड है, और मैंने तो इस फंड को भाई लाइक दिया ही है और मैं तो इसमें इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं इनमें से किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप मुझे बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप भी इंस्पायर्ड इन्वेस्टर्स के परिवार का हिस्सा बन जाए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हेलो इंस्पायर्ड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे 6 टॉप क्लास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो आपको आसानी से बनाकर दे सकता है बहुत सारा पैसा अगले 10 सालों में, जिसके